Hey guys, hi. Welcome to this session. और आज हम करने वाले हैं graphs of motion, उसके सारी चीजें, distance time graph और velocity time graph, उसका importance क्या है, uniform motion, non-uniform motion की graph, slope, area under the curve, सब कुछ in just 90 seconds. So let's just get started. पहली बात हमें ये समझना है कि यार graphs की importance क्या होती है. पहली बात, graphs जो है ना आपको एक concise way में सारे motion के बारे में detail में बता देती है और ये भी highlight कर देती है कि भाई इसमें important चीजें कौन कौन सी है और फिर ये भी बताती है कि भाई it's a very good convenient way to actually understand the kind of motion. क्योंकि अगर मान लो अगर आप चेन्नई से कन्याकुमारी जा रहे हो या तो फिर कश्मीर से आप कहीं और जा रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि पूरे जर्नी में एक ग्राफ के थ्रू कहां कहां पे स्टॉप्स थे, कहां पे पानी पिया, कहां पे पेट्रोल भरवाया, वो सारी चीजें आपको सिर्फ एक ग्राफ से समझ आ सकती है. वैसे जैसे क्रिकेट मैच में पूरा का पूरा क्रिकेट मैच सिर्फ एक ग्राफ से समझाया जा सकता है कि कितने स्कोर थे, कितने ओवर में कहां कहां पे विकेट गिरे थे, सब कुछ है ना. तो वैसे तो अब दो टाइप ऑफ ग्राफ्स होते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक होता है. डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको डिस्टेंस वाई एक्सिस पे होती है, टाइम एक्स एक्सिस पे होती है और स्पीड मिलता है आपको स्लोप के थ्रू, ठीक है. और इसमें से दो टाइप ऑफ मोशन आप समझ सकते हो, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन. जैसे कि ये आपके सामने एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है. डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलती है आपको तो इसका मतलब ये होता है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है. अगर मान लो एक उबड़ खाबड़ ग्राफ मिलता है तो मान लेना कि ये आपका हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, याद रखिएगा. अगर मान लो आपको एक ग्राफ ऐसे पैरेलल मिलती है टू दी एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस वक्त के साथ नहीं बदल रहा है, वो कांस्टेंट है, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, वो आगे बढ़ नहीं रहा. वैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करेंगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको देता है एक्सेलरेशन और एरिया अंडर द कर्व वो आपको देता है डिस्प्लेसमेंट. कैसे, देखो यहां पे ध्यान से. अब ये सेम ग्राफ स्पीड टाइम भी हो सकती है, वेलोसिटी टाइम भी हो सकती है. अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका इंक्रीजिंग ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये भाई ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला ग्राफ है, ठीक है. और हर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही, क्यों, क्योंकि इसमें वेलोसिटी बदल रही है. यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में नहीं. तो यहां पे वेलोसिटी बढ़ रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है. अगर वेलोसिटी घट रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है या डी एक्सेलरेशन है. अगर मान लो आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो आप देखो यहां पे एक पैरेलल लाइन है टू द एक्स एक्सिस, तो आप देखो वेलोसिटी आपके वक्त के साथ नहीं बदल रही है, वो कांस्टेंट है, तो वो पार्ट आपको यूनिफॉर्म मोशन देगा क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है. अब इस पूरे ग्राफ के अंदर का अगर मैं एरिया निकालने की कोशिश करूंगा कि इसके अंदर कितना एरिया है तो मुझे मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट, विच इज द एरिया अंडर द कर्व फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ होता तो ये होता डिस्टेंस, ठीक है. तो दैट्स ऑल अबाउट द ग्राफ्स ऑफ सीबीएसई क्लास 9th मोशन चैप्टर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इस पूरे सीरीज का प्लेलिस्ट ऑफ 90 सेकंड्स इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, ऑल्सो द होल वीडियो, फुल वीडियो ऑन ग्राफ्स ऑफ मोशन इज ऑल्सो देयर इन द डिस्क्रिप्शन, चेक इट आउट. पीस.